Good morning, students. I hope you all are fine. This time I am come up with class 9th and 10th. That's with the English grammar part. Previously we had finished English grammar part with kinds of sentences and their transformation. This time I am coming up with the second topics, that is active passive voice. So before we could start, I'll give you a small introduction, and you have to go to this and write it in your notebook in the same way that you did with kinds of sentences. So we'll start now. So I'm going on with active passive voice for class 9th and 10th. So before that, let me do this introduction. Voice. What is voice? Voice is that form of the transitive verb that shows whether the subject of the sentence is the doer of the action or has the action done to it. Before that, what is voice? I'll tell you what is transitive verb, because most of you all, aapko pata nahi hai transitive verb kya hota hai. तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. ट्रांजिटिव वर्ब वो है व्हेन वर्ब्स, वर्ब का मतलब होता है आपका क्रिया, जो एक्शन आप करते हो. तो वर्ब्स आर दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देम आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सुमन इज स्वीपिंग. मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट, सुमन इज स्वीपिंग, लेकिन वो क्या साफ कर रही है. तो अगर मुझे आंसर मिला है द फ्लो, तब मेरा ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, तब मैं बोलूंगी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जहाँ पे क्रिया तो है, डूअर के साथ क्रिया है, लेकिन वो किस चीज को कर रहे हैं, द फ्लो को साफ कर रहे हैं, तो वहां पे वो हो जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. क्योंकि वर्ब्स दैट रिक्वायर, जो वर्ब्स को जरूरत है ऑब्जेक्ट की, तो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, द फ्लो. आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है, सो दिस बिकम्स योर ट्रांजिटिव वर्ब. तो इसका मतलब यहाँ पे यही है, कोई भी वॉइस में द फॉर्म ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट, उसके आगे का जो सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर, डूअर है जो काम करता है, ऑफ द एक्शन और हैज द एक्शन डन. अगर उसने एक्शन किया है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस, अगर मैंने फर्स्ट वॉइस लिया है एक्टिव वॉइस, अगर आप वो देखो मोहन प्लेज फुटबॉल, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोहन जो है आपका सब्जेक्ट है, वो मेन डूअर है, प्लेस जो है आपका वर्ब है, फुटबॉल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. सो मोहन प्लेस फुटबॉल, सो मोहन हैज डन समथिंग टू द फुटबॉल. मोहन ने क्या किया, फुटबॉल के साथ कुछ किया है, और वो है दैट ही हैज प्लेड विद द फुटबॉल. सो वो हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस, बिकॉज एक्टिव वॉइस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब और मेन चीज है आपका ऑब्जेक्ट. वो ही अगर मैंने अभी उसको पैसिव वॉइस में अगर लिखा है तो वो हो जाता है फुटबॉल वाज प्लेड बाय मोहन, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है. इस सेंटेंस में क्या होता है, यह द वर्ड फुटबॉल, जो फुटबॉल वर्ड है यहाँ पे इज द सब्जेक्ट, तो फुटबॉल वर्ड जो है वो अभी आपका मेन सब्जेक्ट बन चुका है, एंड वाज प्लेड बाय मोहन वो अभी हमने पीछे लगा दिया, मीन्स द ऑब्जेक्ट बिकम्स द एक्टिव वॉइस हियर. ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मोहन प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है. यही ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो था, पैसिव वॉइस में वही वर्ड आपका सब्जेक्ट बन जाता है. तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन, तो हमने क्या, किसने फुटबॉल खेला, प्ले हु इज प्लेइंग विद द फुटबॉल, इट इज मोहन, दैट इज वाई वी पुट बाय मोहन. सो इन एक्टिव वॉइस यू हैव योर सब्जेक्ट फर्स्ट, देन योर वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट, एंड इन पैसिव वॉइस यू हैव योर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन योर वर्ब एंड देन योर सब्जेक्ट, बट बिफोर द सब्जेक्ट वी हैव टू राइट द वर्ड बाय. सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कम विद द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस. इफ द रूल्स फॉर चेंज ऑफ वॉइस, दैट इज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, फर्स्ट वी सी द फर्स्ट रूल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. इसका मतलब है जो आपका पहले एक सेंटेंस है यहाँ पे, ही किल्स अ स्नेक, सो यहाँ पे ही सब्जेक्ट किल्स वर्ब, अ स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट. तो ये वो बोलना चाहते हैं कि जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होता है, तो वहां पे जो आपका सब्जेक्ट है वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाती है आपकी सब्जेक्ट.
him. Then the preposition by is put before it. So preposition by जो है वो आपके pronoun या आपके subject के पहले लग जाता है. The second one, the main verb of the active sentence changes into past participle. The main verb means जो ये आपका active voice में main क्रिया है, main verb है, वो change हो जाता है past participle में. That is be changes to B3, B3 में change हो जाता है. For example, here it is drink, B1, drank, B2, drunk, B3 form. So it changes to the B3 form. In the same way, write, it changes to wrote, and the B3 form is written. So it changes to the B3 form of the verb. Third one, the form of the verbs. The forms of the verbs to be in bracket like am, hai, is, ho, are, ho, was, ho, were, ho, been, and been is placed before the main verb. Main verb ke paise pehle wo place ho jata hai according to your tense. Jaise maine last year jo padhaya tha, active passive voice agar aap tenses ke hisab se jaate ho to aapko pata chalega ki wo kaise change ho jata hai. Aur uske sath sath the auxiliary verb is also changed according to the subject or number and the person in your sentence ke hisab se auxiliary verb bhi change ho jata hai. So ye jo third rule hai, this will be given to you in the next video. According to the tenses, jaise past, present, future tense, iske alawa jo dusre hain interrogative ya imperative sentences hain, to jab hum wo change karenge, jab hum wo learn karenge, tab ye third rule bahut hi mayne mein aayega. So this third rule aapko yaad rakhna hai ye sab rules ke sath. And one more thing, the second most important rule, that is your main verb jo hai wo kis mein change hoga, V3 form mein, that is past participle. To wo bhi aapko yaad rakhna hai. So you have to note all this down into your notebook. So you have to write this down, that is the first, the second rule, and now after this will be another one. Now we come up with the third, that is changes in pronoun. Pronoun में क्या changes होता है जब आप active से उसे passive voice में लिखते हैं. तो पहले अगर हम देखें active voice, उसको हम बोलते हैं subjective case, और passive voice जो है उसे हम बोलते हैं objective case. तो subjective case का मतलब active voice में जब subjective case है उसका मतलब क्या है कि यहाँ हम subject से sentence जो है start करते हैं, और passive voice में हम objective case इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो हम सब्जेक्टिव केस के बारे में बताते हैं, जब एक्टिव वॉइस जब पैसिव में चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो प्रोनाउंस है वो कैसे चेंज होते हैं. तो आई है वो चेंज होता है मी, तो उसके आगे हम लगाते हैं बाय जो एक प्रपोजिशन है. वी चेंजेस टू अस, यू रिमेन्स यू ओनली, ही चेंजेस टू हिम, she changes to her, it remains the same, they change to them. तो इसका मतलब है जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जैसे अभी मैंने पहले बताया he killed the snake, तो he जो था वो बाद में him में चेंज हुआ, means the snake was killed by him. वो सेंटेंस में इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो जो he था वो चेंज हो गया था him, तो by him आपने लिखा था. तो इसी तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस में अगर दे है तो आपको चेंज करना है them में. अगर it है तो वो it ही रहेगा, you है तो वो you ही रहेगा, और अगर आप I की बात करें तो I me से चेंज होगा, और we जो है वो us से चेंज होगा. So in this way I have shown you the rules of active passive voice. In the same way now in part 2, in the next video we will start with the tense formation of active passive voice, so it becomes easier for you all. Like how you all have simple present tense, simple past tense, simple future tense, and again simple perfect tense. तो उसी रीत से जैसे tenses का formation होता है उसी pattern से अगर हम tenses के formation के हिसाब से अगर active passive voice करेंगे, so it becomes much more easier for you all. That will be in part 2. In part 1, this is a small introduction and a reminder for you all about active passive voice. Please note down this into your notebook.
Okay. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.